हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ मैथ्स। ओके, तो आप लोगों को राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, बट फिर से आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि किस टाइप से हम इनको लिखेंगे। या फिर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोज करो आपको दे रखा है 3198402। इसको हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी दिखाएंगे और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नंबर नेम करना। इंडियन सिस्टम, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम के लिए 3198402, इसमें कॉमा का यूज़ करेंगे। तो पहले 1, 2, 3 डेट के बाद कॉमा, फिर 2 डेट के बाद कॉमा, एवरी 2 डेट के कॉमा, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। तो ये जितना भी होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये इसमें आता है। ये दोनों के दोनों थाउजेंड्स में आते हैं। ये आपका केवल थाउजेंड होता है, ये आपका 10,000 होता है, बट होते दोनों थाउजेंड में ही है। इसके बाद ये दोनों लैख में होते हैं, ये लैख, ये आपका 10 लैख। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको नेम, नंबर नेमिंग करनी है इनकी। तो कैसे करेंगे, 31 लैख, 31 के ऊपर क्या लैख है, तो यहाँ लिखेंगे 31 लैख। ओके, 31,98,98,000। ओके, 98,402। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से इसका नंबर नेम हम लिखेंगे। ये आपका इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम का एक दो और करते हैं हम लोग, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे हमें दे रखा है 7,6,1,2,0,3,5,4,6। ओके, इस टाइप से नंबर है, थोड़ा बड़ा ले लिया। अब पहले 2, 3 डेट के बाद कॉमा, फिर 2 डेट के बाद कॉमा, फिर 2 डेट के बाद कॉमा, ऐसे 2 डेट के बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे। ये आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़। ओके, तो इस टाइप से आ गया। ये तीनों के तीनों आपके वंस, टेंस, हंड्रेड, ये हमने इस पर एक साथ लिख लिया। इन दोनों को एक साथ ले लिया थाउजेंड में, इन दोनों को एक साथ ले लिया लैख में, इन दोनों को एक साथ ले लिया करोड़ में, करोड़ में। तो हम क्या लिखेंगे इसका, 76,12,03,546। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 76,12,12,00,000। यहाँ पे 3,000 है, जीरो का तो कुछ है होता ही नहीं है, तो 3,546। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम आंसर इसका लिखेंगे। ये आपका हो गया इंडियन सिस्टम। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम हम बार बार इसको इसलिए रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे इसको लिखने में प्रॉब्लम करते हैं और आगे तक प्रॉब्लम करते रहते हैं। ओके, तो हमने नंबर लिया 3,5,4,9,2,6,5,4,3 और नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दें, चलो इतना ही लेते हैं पहले। तो इसमें 3 डेट के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा लगाया, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा लगाया। ये तीनों तो होते हैं वंस में, इसमें ये होते हैं हमारे थाउजेंट में, ये होते हैं आपके मिलियन में, उसके बाद बिलियन में, इस टाइप से चलते चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मिलियन है इसके ऊपर, तो 354 पहले हम लिखेंगे 354 मिलियन, 900 26 26 1,000 543 543। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम लिखते चले जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या लिखना है, हमें मिलियन लिखना है।
ओके मिलियन, क्योंकि ये पहले तो इसको रीड करो, 354 लिखा है, 926 लिखा है, 543 लिखा है, अब इसके ऊपर देखें 354 के ऊपर क्या मिलियन, तो 344 मिलियन 926,543। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम इनको लिखेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू की, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू। तो अब यहाँ बात करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, हमने कोई क्वेश्चन लिया 82189, ओके तो इसमें सबसे पहले 3 लिखा, इसके बाद कितने डेट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 के बाद में 1 2 3 4, इसके बाद प्लस 8 के बाद 1 2 3 4, 5 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 लिख लिया। ओके यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 4 लिखा, अब इसके बाद में क्या लिखें, 2 के बाद 3 डेट, 1 के बाद में 2 डेट एंड 8 के बाद में 0 प्लस 9। ओके एक एक 0 कम कर दिया, बस हो गया कंप्लीट आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लेते हैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसे लिख लिया हमने प्लस 80 प्लस 540 प्लस 3। ओके तो हमने कोई क्वेश्चन अलग से ले लिया, अब इसको क्या करेंगे हम 60 के साथ, 6 का है हमारा, पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, टेन लैख तक ही जा रहा है, 6 के नीचे 10 लैख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के नीचे क्या है, 8 है, उसके बाद वंस, टेंस, हंड्रेड के नीचे 5 है, वंस, टेंस के नीचे 4 है और 3 है, जहाँ जो बचा है वहाँ पर 0 लगा दो, बस आपका कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ओके अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू हमने समझा ही रखी है, और स्मॉलर देन ग्रेटर देन ये भी आप कर ही लोगे। अब हम बात करते हैं फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स वंस ओनली। जैसे आपके पास है 3, 2, 4, 6, 0, 9, 1, इसका यूज़ करके एक तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट। ओके तो ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट लेते हैं, इसमें से कौन सी सबसे ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है 9, तो 9 लिया, इससे छोटा कौन सा है, 6 है, इससे छोटा कौन सा है, 4 है, इससे छोटा कौन सा, 3 है, इससे छोटा कौन सा, 2, 1, उसके बाद में 0, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ही हम कर लेंगे। अब इसमें से स्मॉलेस्ट बनाना है आपको, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए ध्यान रखना सबसे छोटी पहले लेते हैं, तो सबसे छोटी कौन सी, इसमें 0 है, बट 0 अगर आगे ले लेते हैं तो काउंट नहीं होगा डिजिट में, तो हम सबसे पहले 1 लेंगे उसके लिए, उसके बाद 0, 2, 3, 4, 6, 9 बाकी सब बैक कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारी तरफ से सारे टॉपिक आपको क्लियर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो क्लास 4th एंड 5th के जो भी स्टूडेंट्स हैं चैप्टर अपना 2nd कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।